अल्प वेतन मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही आशा उषा कार्यकर्ताओं ने आगामी दिनों में होने वाले प्रदर्शन को लेकर बैठक आयोजित कर रणनीति बनाई। रविवार को मां राजराजेश्वरी मंदिर प्रांगण में आशा उषा कार्यकर्ताओं ने बैठक प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी कोरण के नेतृत्व में आयोजित की। इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हीरा देवी चंदेल ने कहा कि महंगाई के दौर में आशा उषा 24 घंटे अपनी ड्यूटी अस्पताल और अन्य विभागों की योजनाओं के क्रियान्वयन में दे रही हैं, लेकिन आज भी वेतन के नाम पर कार्यकर्ताओं को महज 2,000 रुपये दिया जा रहा है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण और तीज त्यौहार की खुशियाँ मनाना बेहद मुश्किल भरा साबित हो रहा है। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी दीपावली पर्व पर सरकार के पक्षपात और भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ गई, जैसे सभी बहनें जानती हैं, आप बहनों से ही मैं पूछना चाहती हूं, अभी हमारी जो आशा बहनें हैं, आशा बहनों के लिए कितना पैसा मिलता है? 2,000 रुपए ना? 2,000 रुपए में क्या आप अपने घर में दीपावली मना पाएंगी? 2,000 में क्या दिए खरीद पाएंगी? 2,000 में क्या बच्चों को कपड़े दिला पाएंगी? 2,000 जिले में हमारी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मी कौरव जी के नेतृत्व में आशा श्रमिक संघ बैनल तले एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें हम बहनों की जो मांगे हैं, नियमितीकरण करना आशा बहनों का, सहयोगनी बहनों का, साथ ही बहनों के लिए 10,000 आशा बहनों के लिए और सहयोगनी बहनों के लिए 15,000 के देने के लिए माननीय मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री महोदय लोगों ने वादा किया था, जिसको आज दिनांक तक कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमारे NRHM की तरफ से प्रपोजल बना के मंत्रालय में भेज दिया गया है और मंत्रालय में ही हम बहनों का प्रपोजल बना रखा है। इसलिए हम सभी बहनें ये रणनीति तय कर रहे थे कि दीपावली के दिन विशाल आंदोलन, अनिश्चित आंदोलन, हम सभी बहनें जाके वहाँ पे भोपाल स्तर पर हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसमें हमारी सभी बहनें, आशा बहनें, प्रदेश के 52 जिले की बहनें सम्मिलित होंगी और हम लोग दीपावली के दिन अनिश्चित आंदोलन वहाँ जाके करेंगे। जी मैम, आपका नाम? मेरा नाम हीरा देवी सिंह चंदेल, प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष के मैं आशा उषा श्रमिक संघ से। कार्यक्रम रखा था माननीय हमारी प्रदेश कार्यकारिणी अध्यक्ष हीरा देवी चंदेल के नेतृत्व में, हम लोगों ने दीपावली पे जो हमारा प्रदेश पे कार्यक्रम करना है, हम लोगों को भोपाल में जाके हम एक आंदोलन करने वाले हैं, जो हमारा प्रपोजल बना रखा हुआ है 10,000 रुपये आशा कार्यकर्ता के, 15,000 सहयोगी बहनों के, मंत्रालय में जो पारित हुआ है उस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम लोगों ने भोपाल में एक कार्यक्रम रखा है, उसके लिए हमने यहाँ रणनीति तैयार करी है। आने वाली रणनीति हम भोपाल में दीपावली मनाने के लिए भोपाल में हम लोगों ने दीपावली वहीं बनाएंगे, ये हम लोगों ने आज शपथ ली है। 52 जिले की, पूरे प्रदेश की आशा कार्यकर्ता बहनें दीपावली इस बार भोपाल में मनाएंगे।